वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक रोलर है। ये एक पेडी रोलर है जो कि आपके फूड केयर के लिए यूज होता है और इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। तो ये जो रोलर है ये कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, इसकी क्या क्वालिटीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ मेरे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस रोलर के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो ये ओज़ॉय का पर्सनल पेडी केयर सिस्टम है जो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, देख सकते हो। और ये रोलर है, रोलर देखने से बाकी के जो और भी रोलर वगैरह आते हैं उसी तरीके से है, देखने से अच्छा है, हैंडी है, यूज़ करने में इजी है। और इसके साथ आपको एक और ये बफिंग रोलर मिलता है और ये क्लीनिंग ब्रश मिलता है और ये यहाँ से ओपन होता है। इसके अंदर दो बैटरी लगती है और ये इसका ऑन ऑफ बटन है और इस तरीके से इसे ऑन करके आपको अपने स्किन के ऊपर यूज़ करना होता है। जो भी डेड स्किन आपको हटानी है उसके ऊपर इस तरीके से चलाना होता है। तो ये प्रोडक्ट है जो आप खूब अच्छे से देख पा रहे होगे और इसका जो प्राइस है वो 399 का है और इसे आप किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेस कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रोलर है इसे आपको यूज़ कैसे करना है। आपको बताती हूँ कि इस रोलर को आपको अपने फीट के ऊपर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए आपको अपने फीट को गर्म पानी में सोक कर लेना है, मीन्स आपकी जो भी डेड स्किन है उसे सॉफ्ट कर लेनी है। इसके बाद इस रोलर को उसके ऊपर यूज़ करना है और उसके बाद जो भी डेड स्किन होती है वो धीरे धीरे इसके यूज़ करने से रिमूव हो जाती है, ऐसा ये क्लेम करता है। बट ऐसा होता है कि नहीं होता ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप इस तरीके से इसे इस रोलर को अपने स्किन के ऊपर यूज़ करते हो तो सबसे पहले तो ये सॉफ्ट स्किन पे बिल्कुल भी चलता नहीं है, ये रुक जाता है और सॉफ्ट स्किन के ऊपर ये काम नहीं करता। और अगर आप इसे डायरेक्ट अपने फीट के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो एक ऊपरी लेयर होता है वो पाउडर फॉर्म में निकलेगा, फीट बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता, डेड स्किन बिल्कुल नहीं निकलती, कोई क्रैक हिल जो है वो आपकी सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं बनती। मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी काम का नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने इसे जो यूज़ किया है तो मुझे ये पूरी तरीके से बेकार लगा, किसी भी काम का प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि मैंने इसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ परचेस किया था, जैसा कि इसका रिव्यू वगैरह था तो मुझे लगा एक अच्छे प्राइस में मे बी एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ये किसी भी तरीके से यूज़ होने वाला प्रोडक्ट नहीं है और अगर आप इसे यूज़ भी करते हो तो इतना टाइम आपका जाता है और काम कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको परचेस करने के लिए। बाकी ये आपकी चॉइस है, उसके बाद भी आप अगर इसे लेना चाहें तो ये आपकी चॉइस होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया और बाकी के डिटेल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये मेरा आज का वीडियो था, होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आने पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।